कुछ इस तरीके का है। और इसका जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट मिक्स टाइप्स है, एग्जैक्टली जॉर्जेट भी नहीं है, कुछ जॉर्जेट और यू नो क्रेप वाला होता है ना कुछ वैसा फैब्रिक है, पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाती है, ये दो कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, एक इसमें बेसिक्स जो है इसके सारे पिंक फैमिली के कलर्स है, और जो दूसरा वाला है उसमें आपको ग्रीन फैमिली के कलर्स मिलेंगे। तो मुझे उसमें पर्सनली ये पिंक वाला बहुत पसंद आ रहा था। इसमें आपको राउंड नेक मिलेगा और आप देख सकते हो मल्टी कलर का इसमें प्रिंटिंग वर्क हो रखा है। ये देखिए दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पूरा ये जो आप मिरर वर्क देख रहे हो ये रियल मिरर वर्क है, बट बिल्कुल भी हार्श नहीं है, आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। देखिए सो ऑल ओवर इसका जो लुक है ना कुछ ऐसे हो जाएगा, बाकी ये स्ट्रेट फिट का कुर्ता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ जाती है, ये बहुत प्रिटी लगता है। सबसे नीचे इसमें ना हमको आगे और पीछे ये वाली लटकन दे रखी है, ये देखिए ये सिपियो वाली और पॉल डिटेलिंग की ये पूरी लटकन जो है इसमें नीचे से दे रखी है। सो ऑल ओवर जो है इसका लुक होता है कुछ ऐसे, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। बाकी यहाँ पे स्लीव्स जो है हमको मिलेंगी फुल स्लीव्स, स्लीव्स में हमको पूरा यही वाला जो है मिरर वर्क मिलेगा एंड स्लीव्स में भी ये वाला लटकन का काम मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसके कलर्स कितने ज्यादा प्रिटी है। ये देखिए ये वेयर करने के बाद कुछ ऐसा लगता है, दिस इज लुकिंग सो परफेक्ट। करवा चौथ या फिर फेस्टिव सीजन में वेयर करने के काफी प्यारा है। बैक साइड पे हमको ये पूरा इस तरीके से मिलने वाला है, ये देखिए पूरा वही प्रिंटिंग पैटर्न है, बट जस्ट दैट कि यहाँ पे कोई मिरर वर्क नहीं है, काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड यस इसके अंडरनीथ इन्होंने पूरी आपको लाइनिंग दे रखी है अटैच्ड, तो ये बिल्कुल भी आपको चुभेगा भी नहीं और सी थ्रू भी नहीं है। तो ये हो जाता है गाइस इसका कुर्ता। इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो कुछ इस तरीके से है, इसका जो फैब्रिक है ना वो रियॉन टाइप्स कुछ का है जो कि काफी कंफर्टेबल है। ये देखिए फुली इलास्टिकेटेड एंड इसका जो फिट है वो कुछ ऐसा है, कंप्लीट प्लाजो है एंड यहाँ पे हमको ये वाला जॉर्जेट का पूरा फैब्रिक जो है डिजिटल प्रिंट में अटैच दे रखा है। तो इसका लुक हो जाता है कुछ ऐसे बॉटम वेयर का। दुपट्टा इसमें हमको मिल जाता है फूशा पिंक कलर का, जैसे कि इसके कलर का बेस कलर है ना कुछ ऐसे। ये देखिए क्विंस एंड ज्वेलरी वर्क है और इसमें ना इलास्टिक काफी स्ट्रेचेबल दी गई है, इसमें इनर का फैब्रिक भी है, इसमें स्टिचिंग नहीं है। और वो जो येलो वाली थी ना उसकी जो पैंट थी वो टर्किश ब्लू कलर में थी और ये नेवी ब्लू कलर है, और उसकी जो दुपट्टा थी येलो में थी और साइड में टर्किश ब्लू का बॉर्डर था। इसमें पिंक आपको दुपट्टा मिलता है, साइड में आपको नेवी ब्लू का बॉर्डर मिलता है और सेम आप देख सकते हो सीक्वेंस एंड ज्वेलरी का वर्क मिल जाता है। सी ये कुछ इस तरह की लगने वाली है, उससे ये डिफरेंट है। जो मैंने पहले भी कहा था उसमें क्या था ना यहाँ पे कपड़ा स्टिच था ऊपर से, ठीक है, और ये ना उस जो है उस कपड़े के ऊपर वर्क किया गया, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने आपको बोला ना कुछ डिफरेंट थी इसलिए मैंने इसे है, इतना सुंदर ये वर्क है, मतलब ये क्या बताओ पहले ही लुक चेंज आ गया। तो ये आप देख सकते हो हम देख सकते हो जो पिंक कलर की है इसमें भी आपको वर्क मिलती है फ्रंट एंड बैक दोनों में ही।